तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही इजीली रेडी हो जाता है और बच्चे बड़े दोनों पसंद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप के लगभग रवा। बारीक वाला ही रवा यूज़ कीजिएगा। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच के लगभग बेसन, और साथ में ऐड कर दें 1/2 कप के लगभग फ्रेश दही। इससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी होगा। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। सभी इंग्रेडिएंट्स जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो इसमें ऐड कर दें 1 कप के लगभग पानी। यदि पानी की ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम फिर से यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अभी थोड़ा सा पानी और चाहिए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के लगभग और पानी, और मिक्स करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ये बैटर अच्छी तरीके से सेट होता है, तब तक देख लेते हैं इंस्टेंट चटनी की रेसिपी, जो इस नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले पैन में ऐड करें चना दाल। चना दाल की चटनी बना रही हूँ। 7 से 8 करी पत्ता और साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा और मिर्च। मिर्च जैसा तीखा आप पसंद करते हो कम या ज़्यादा रखें, और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें। जब ये पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मिक्सिंग जार में ऐड करने के बाद साथ में ऐड कर दें थोड़ी सी इमली खट्टे के लिए, और फ्रेश दही अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं तो ये इसे स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ऐड कर दें स्वाद के हिसाब से नमक और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। ये चने दाल की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी होती है, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, चटनी रेडी हो चुकी है। इसमें राई, कड़ी पत्ता और मिर्च का आप तड़का लगा के इसे सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब चलिए देख लेते हैं, बैटर पूरी तरीके से फूल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत हार्ड है, तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी और 1 चम्मच के लगभग इनो। इनो से हमारा ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रेडी होगा। तो 1 चम्मच ऐड कर दें इनो, और साथ में ऐड करें 2 चम्मच के लगभग पानी, ताकि ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। यदि आप इसे टाइट हाथों से मिक्स करेंगे तो सारे बबल्स फूट जाएंगे और इस नाश्ते को सॉफ्ट बनाने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मिक्स कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी आप इडली बैटर से थोड़ा सा ढीला रेडी करिएगा, देखिए इस तरीके से। अब चलिए इस नाश्ते को बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप गैस पर रख दें पैन। ये नाश्ता 2 तरीके से बनेगा। आप पैन को तेल से ग्रीस करें, तो पहला तरीका आप देख लीजिए। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो दूसरा तरीका यदि आपको पसंद आता है तो उस तरीके से बना लीजिए। इसके बाद बैटर को एक कलछी आप इस तरीके से फैलाने के बाद थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इस नाश्ते के बबल्स देखिए किस तरीके से बन रहा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। जब इस नाश्ते का बेस थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो आप गैस का फ्लेम लो कर दें और ढककर 10 मिनट तक पका लें, ताकि ऊपर वाला भी परत पूरी तरीके से पक जाए, देखिए इस तरीके से। अब आप किसी भी स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से छुड़ा लें, और बहुत ही इजीली ये अच्छी तरीके से पक जाते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो देखिए इस तरीके से पलट दें। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपके पास इस टाइप का फ्राई पैन है तो उसको तेल से ग्रीस कर लें और उसमें ऐड कर दें 1 कलछी भर कर बैटर। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, और इस फ्राई पैन के माप का यदि आपके पास प्लेट हो तो उससे ढककर 5 मिनट के लिए पका दें। 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब चाकू या चम्मच की हेल्प से किनारों को अच्छी तरीके से छुड़ाने के बाद इसे पलट दें। ये बहुत ही आसानी से छोड़ देते हैं। बस आपका फ्राई पैन जो हो वो नॉन स्टिक का होना चाहिए। आयरन फ्राई पैन में ये पूरी तरीके से चिपक जाते हैं और छोड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।